हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट कार ब्लॉग इंडिया पे, और ये है मारुति की नई विटारा ब्रेजा, जो कि एक फेसलिफ्ट वेरिएंट है। मैं अपने ओपिनियंस या आपको अपने इंप्रेशंस अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसकी फर्स्ट लुक दिखा रहा हूं। ये ऑटो एक्सपो पे रिवील हुई थी और हमने आपको इसका फर्स्ट लुक वीडियो दिया था, बट वो अच्छे से हम आपको दिखा नहीं पाए थे। हम आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। ये अब आ गई है पेट्रोल इंजन के साथ, 1.5 लीटर का इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो कि आपको सियाज में भी मिल जाता है और साथ ही साथ एक्सेल 6 में भी दिखता है यही इंजन। और ये आता है 5-speed मैनुअल या फिर 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो ये गेयरबॉक्स भी लगभग वैसा ही है जैसा आपको सियाज में मिलता है। आप ये देख सकते हैं फ्रंट में इसकी लुक काफ़ी चेंज कर दी गई है, नई ग्रिल्स आ गई हैं यहाँ पे, DRLs और DRLs में ही टर्न इंडिकेटर्स जो हैं मर्ज कर दिए गए हैं। तो फ्रंट से इसका स्टाइलिंग काफ़ी चेंज किया गया है। साइड में आप देखेंगे तो प्रोफाइल में कोई खास चेंज नहीं है, ड्यूअल टोन अलॉय यहाँ पे दिए गए हैं, डायमंड कट जो है टॉप वेरिएंट्स में आपको मिल जाते हैं, और ड्यूअल पेंट जो ड्यूअल टोन का पेंट थीम भी आपको मिल जाता है। और पीछे की तरफ चलें तो यहाँ दे दिया गया है LED का टेल लैम्प क्लस्टर और नीचे स्कफ प्लेट डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन चेंजेस हैं इसमें, तो एक्सटीरियर में ये चेंजेस हैं, और जो सबसे बड़ा चेंज है वो अंडर द बोनेट है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि 105 PS की पावर और 138 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके इंटीरियर्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया गया है जो कि स्मार्ट प्ले सिस्टम है। और ये वाला जो वेरिएंट आप अभी देख रहे हैं ये मैनुअल है, हम इसका ऑटोमेटिक भी चलाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फेमिलियर है, वैसा ही है जैसा कि हमने अब तक देखा है ब्रेजा में। और स्पेस में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, उसी तरह के फीचर्स हैं, माइनर चेंजेस हैं कुछ, और लार्जली ये कार वैसी है जैसे पहले थी, लेकिन अभी आ गई है पेट्रोल इंजन के साथ और आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूनिट का ऑप्शन दे दिया गया है। प्राइसेस में भी चेंज हुए हैं, इसकी प्राइस लिस्ट और बाकी डिटेल्स के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पर आप इसके फीचर्स, प्राइस और सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आपको कैसा लगा इसका नया डिज़ाइन, आपको कैसे लगे नए फीचर्स, हमें उसके बारे में कमेंट करके बताइए। हमारे रिव्यूज़ जो हैं वो 9 बजे आएंगे सैटरडे को, विच इज़ डे आफ्टर टुमारो, 29 तारीख। तो 29 तारीख सुबह 9 बजे हम इसके वीडियो रिव्यूज़ पोस्ट करेंगे, जहां हम आपको अपने पूरे इंप्रेशंस बताएंगे। तब तक के लिए हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि एक एम्बार्गो है इन प्लेस। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।